हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट व्यूवर्स। आज मैं आपको अपने लव बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आपके पास जो पेड़ लगे हुए लव बर्ड्स की मुख्तलिफ किस्म के, तो उनकी जो है आप प्रोग्रेस दिखाएं, तो मैं आज आपको उनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। और ये कि सीज़न का एंडिंग भी चल रहा है, तकरीबन ये लास्ट या सेकेंड लास्ट ब्रीड जो है मेरे पास आ रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये मेरे पास चार जो है यहाँ पे लव बर्ड के पेड़ लगे हुए जो कि फोस्टर हैं, आप सबको पता है। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताता चलूँ, ये मेरे पास चार लव बर्ड के पेड़ हैं जो कि मैं इनसे फोस्टरिंग वगैरह करवाता हूँ मुख्तलिफ ब्रीड की। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका लव बर्ड का कलर, ये फीमेल जो है अंडे दे रही है, ये देख सकते हैं आप। इसने जो है, इसके जो अंडे थे वो मैंने हटा दिए और इसके नीचे जो है मैंने ख़राब अंडे रख दिए, ये देख सकते हैं सबके सब अंडे ये ख़राब हैं। तकरीबन एक हफ्ता तक ये अंडों पर बैठेगी, इसके बाद जो है मैं इसके नीचे एल्बिनो के या किसी और के अंडे इसके नीचे मैं रख दूँगा। फ़िलहाल ये पेयर जो है अभी ख़राब अंडों पे बैठा हुआ है। फोस्टरिंग में यही होता है कि अभी अंडे जो है आप, मैंने अंडे देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे ख़राब अंडे रखे हुए। जो पेयर ताज़े अंडे देते रहते हैं उसको हटा के मैं इनमें जो है ख़राब अंडे रखता रहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर मेरे पास है लव बर्ड का एक पेयर, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये जो है बाहर निकल गया। मैं मटकी रखने की जगह बनाता हूँ, मैंने जो है इनमें लगाई हुई मटकी बाहर से, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ, इनमें क्या चल रहा है रिज़ल्ट। माशाल्लाह से चार बच्चे जो हैं इसके निकले हुए, इसके नीचे जो हैं कुछ इसके अपने बच्चे हैं, दो बच्चे जो हैं किसी और के, मेरे ख्याल से बिलू बिलू के या किसी और के ये बच्चे हैं। असल में मैंने जब फोस्टर करे थे तो इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था, इनमें देख सकते हैं रिंग तो धला हुआ है मेरा, बाकी जब मेरे ख्याल से लव बर्ड का बच्चा ही मुझे लग रहा है। फ़िलहाल अभी ये जब बड़े होंगे, इनके पर वगैरह निकलेंगे, तो फिर जो है पता चलेगा ये जो हैं किसके जो हैं बच्चे हैं ये। तो चार बच्चे माशाल्लाह से ही पाल रहा, काफ़ी ज़बरदस्त पेयर है इनको। तकरीबन जब बच्चे निकले वो लव बर्ड्स को मैं जो भी लव बर्ड के पेयर है मेरे पास उनको मैं तकरीबन डेली भुट्टा यूज़ करवाता हूँ नरम दानों का। जब भी आपके जो हैं लव बर्ड के किसी भी बर्ड्स के बच्चे निकले हों तो आपको भुट्टा यूज़ करवाना है, सॉफ्ट फूड वगैरह देना ताकि बच्चों की ग्रोथ जो अच्छी रहे। ये भी एक और लव बर्ड का मेरे पास पेयर है, ये दोनों बाहर निकल जाएँ, ये निकल गए माशाल्लाह से। इसके नीचे मैंने अंडे, मैं आपको दिखाता हूँ मटकी निकल जाए, माशाल्लाह से अल्बिनो का बच्चा मेरे को ये लग रहा है क्योंकि मैंने इसके नीचे जो है अल्बिनो के अंडे रखे थे। एक जो है बच्चा निकला हुआ है और एक अंडा है मेरे ख्याल से, और भी मैंने इसके नीचे अंडे रखे थे शायद, अंडे शायद दबा हुआ है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये आप देख सकते हैं अभी इसने जो है एक ही बच्चा निकाला हुआ है, मेरे ख्याल से एक बच्चा इसका एक्सपायर हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, तो कोई मसला नहीं है, एक बच्चा और एक अंडा फर्टाइल इसके पास जो है रखा हुआ है। इसको जो है मैं वापस से लगा देता हूँ ताकि पेड़ डिस्टर्ब ना हो। तो बस ये कि मैंने इसकी वापस से जो है मटकी लगा दी, इसके नीचे एक अंडा एल्बिनो का है और एक बच्चा एल्बिनो का इसके नीचे पल रहा है। इस तरफ आते हैं, ये मेरे पास एक और लॉटिनो का पेयर है, सिंपल लॉटिनो जो है, ये मेल इसका बाहर निकला है और ये फीमेल अभी जो है ये अंडे देगी इंशाल्लाह, बिल्कुल लोडेड है इसकी, मैंने नई नेस्टिंग करी हुई आप देख सकते हैं। और इसके जो पहले के बच्चे थे वो मैंने सेल आउट भी कर चुका हूँ, मतलब ये कि इसके अपने बच्चे तो थे नहीं, किसी और के बच्चे मैंने इसके नीचे रखे थे। और ये फीमेल देख सकते हैं अंडों पर लोड है, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये अंडे रख देगी। तो गाइस ये जो है ब्लू पर्सनाटा का मेरे पास पेयर है, इस फीमेल की जो है एक आंख नहीं है लेकिन ये बच्चे काफ़ी ज़बरदस्त पालती है, मैं आपको दिखा दूं क्योंकि पीछे धूप का शेड आ रहा है तो इस वजह से पेयर सही तरीके से आपको दिख नहीं पाएगा। तो ये पेयर है, इसकी एक आंख जो है सही नहीं है, तो इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ आपको, इसमें जो है क्या बच्चे निकाले हैं और क्या कर रही है ये। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं इसके नीचे तकरीबन 3 से 3, 6, 7 अंडे और एक बच्चा इसका भी मेरे ताज़ा ही निकला हुआ, एक दिन का बच्चा हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इस पेयर की प्रोग्रेस, और ये बच्चों को फीड भी जो है अच्छा करवाता है पेयर। बस इसका एक प्रॉब्लम है कि इसकी फीमेल की आँख नहीं, लेकिन आँख से कुछ नहीं होता, बच्चा पालना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ब्लू पर्सनाटा का पेयर है, इसकी भी 3 से 4 बच्चे इसके मैंने अलग करे हैं, अभी मैं कहते हैं वापस से अंडे देगा पेयर। मैं आपको पेयर दिखा देता हूँ, ये जो है पेयर है, ये मेल और ये फीमेल है,
सही है। नीचे आते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो पेयर जो है लॉटिनो के, सिंपल लॉटिनो, अभी इनके भी ये मैंने नए पेयर परचेज़ करें, इन्होंने भी जो है कुछ नहीं करा, दोनों पेयर जो हैं बाहर हैं। फिर बॉक्सेस वगैरह तो इन्होंने सेट कर लिए, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ब्रीड कर देंगे। मैं आपको पेयर का साइज़ भी दिखा देता हूँ, पेयर देख सकते हैं आप, ये भी इंशाल्लाह फोस्टरिंग के लिए मैंने पेयर लिए, जब ये अंडे वगैरह देंगे तो इनके नीचे भी जो है मैं अंडे वगैरह फोस्टर करूँगा। और पेयर्स के जैसे कि लॉटिनो पसनाडा रेड आई हो गया, अल्बिनो हो गया, या ब्लैक मार्केट वगैरह, इन पेयर के जो अंडे में फोस्टर करूँगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी आ जाते हैं इस तरफ, ये है अल्बिनो ब्लैक आई का ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह से मेरे पास, ब्लैक आई अल्बिनो, और इसने जो है माशाल्लाह से दो अंडे रख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं अल्बिनो ब्लैक आई। और अभी फ़ीमेल भी अंडों पे लोडेड है, इंशाल्लाह ये और अंडे देगी फ़ीमेल। मैं आपको पेयर अभी सही तरीके से दिखाता हूँ, पहले इनके बॉक्सेस वगैरह चेक करवा देता हूँ मैं आपको। और माशाल्लाह से इसने जो है एक अंडा दे दिया, ये पेयर जो है दोनों अल्बिनो ब्लैक आई के पेयर हैं। चलिए मैं आपको इसको जो है अंदर से दिखा देता हूँ, पेयर का आप साइज़ देख सकते हैं, ये अल्बिनो ब्लैक आई के ब्रीडर पेयर हैं। और इस तरफ भी यही है कि अल्बिनो ब्लैक आई के, सही। बाकी इधर आ जाते हैं, ये मेरे पास एक पेयर है क्रीमिनो और लॉटिनो का, ये भी मेरा फोस्टर पेयर है। इसके नीचे जो है तीन बच्चे पल रहे हैं, दो अल्बिनो रेड आई के बच्चे हैं और एक जो है ब्लैक मार्केट का बच्चा है। और इसकी मटकी भी आपको मैं चेक करवा दूँ, इसने माशाल्लाह से दोबारा से जो है ब्रीड करी हुई है, ये देख सकते हैं पांच अंडे जो है इस पेयर ने वापस से दे दिए। अब जो है ये बच्चे जो पाल रहा है वो मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, इनका साइज़ वगैरह कैसा है, ये देख सकते हैं ये अल्बिनो रेड आई का बच्चा है, तकरीबन अभी सेल भी नहीं हुआ माँ बाप से, इसका आप साइज़ देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा बच्चा भी ब्लैक मार्केट जो है येलो चेस का, मेरे पास दो बच्चा निकला हुआ है, वो मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें रिंग भी ढला हुआ है, ब्लैक मास्क का ये बच्चा है। अभी इंशाल्लाह तीन से चार दिन में मैं इनको अलग कर लूँगा इनके माँ बाप से, और इन्होंने वैसे ही अंडे दिए हुए ताकि अंडे जो है इनके ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरे पास है ब्लैक मास्केट येलो चेस का पेयर, ये फीमेल बाहर निकल गई। पहले मैं आपको पेयर दिखाता हूँ, फिर इसकी जो है मैं आपको मटकी दिखाता हूँ, ये वापस से पेयर जा रहा है मटकी में, इस तरफ आ जाते हैं। ये देखें आप, ये है पेयर ब्लैक मार्केट का येलो चेस के अंदर ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। तभी जो मैंने आपको बच्चा दिखाया वो इसी पेयर का है, इसका बच्चा जो है पहली ब्रीड जो इसकी मेरे सेटअप पे हुई थी तो मैंने इनके अंडे ट्रांसफ़र कर दिए थे। तीन से चार बच्चे थे लेकिन किस्मत ख़राब थी आप ये कह लें कि उसमें से सारे बच्चे एक्सपायर हो गए, एक बच्चा जो है ज़िंदा रह गया था, तो वो माशाल्लाह सर्वाइव कर गया। अभी जो है इसने छः अंडे दिए थे मेरे पास, जिसमें से एक बच्चा माशाल्लाह से निकल आया है और पाँच अंडे इसके बाकी हैं, और ये पाँचों के पाँचों अंडे फर्टाइल हैं अभी तक, मतलब ये ताज़ा बच्चा निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको रख देते हैं हम। ये थी मेरे पास लव बर्ड की प्रोग्रेस। तो बस जो मेरे पास लव बर्ड के पेड़ लगे हुए थे मुख्तलिफ किस्म के, वो मैंने आपको दिखा दिए, ये वाले केजीज भी, ये वाले केजीज भी। बाकी यहाँ पे मेरे पास जो है अल्बिनो रेड आई के ब्रीडर पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें से इस पेड़ के नीचे अंडे हैं, ये पेयर अभी रेडी नहीं हुआ ब्रीड के लिए, और ये पेयर जो है अंडे देने वाला है, नेस्टिंग वगैरह इसको मैंने दी हुई है। तो फिलहाल अभी मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इनको मैं ऐसे ही रखता हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।